हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड कंडेंस्ड मिल्क, जिससे मिठाई या केक में बहुत यूज़ किया जाता है और जिससे मिठाई या केक बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमने ये अब कंटेनर लिया है एक, और हम इसमें दूध डालेंगे और दूध को एक बॉईल करेंगे, एक बॉईल दिलवाएंगे इसका, और फिर इसके बाद हम लोग बाकी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे ऐड करेंगे, जैसे शुगर हमने ये लिया है, ये हमारा 100 ग्राम शुगर हमने लिया है, और अब हम इसमें 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिला देंगे, जिससे कि हमारा कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी में बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख के इसको स्टिर करते रहेंगे, और बीच में हमें इसमें थोड़ा फ्लेम हाई कर लेना है ताकि इसमें बॉइल्स भी आते रहें, ताकि ये अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ ले। ये देखिए हल्का येलोइश होने लगा है ये थोड़ा बहुत, ये देखिए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा जमने वाली कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए इसकी, और ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक तार की जैसे चाशनी होती है उस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये जमे नहीं। ये देखिए हमारा बनने लगा है धीरे धीरे कंडेंस मिल्क, येलोइश हो गया है। अब हम इसको 1 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे ठंडा रखने होने देंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 220 ग्राम दूध लिया था, अब ये 1/3 रह गया है उसका, और अब हम इसको इस कंटेनर में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसको ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, जो कि हम लोग कभी भी बाद में यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम फ्रीज कर देंगे। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है और इसकी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है, ये देखिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अरोमास किचन को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।